नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जो ऊपर ये जेडीयू कार्यालय है, मैं आपको बता दूं जंतर मंतर के दिल्ली स्थित जो है वो जेडीयू के ऊपर हॉल में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो आरसीपी सिंह, अभी जो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो कर रहे हैं। साथ ही बगल में उनके जो विजुअल में आपको दिख रहा होगा, एक साइड केसी त्यागी और एक साइड उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं, और खासकर जो भी पदाधिकारीगण हैं तमाम इसमें लोग मौजूद हैं। खासकर मैं आपको बता दूं कि इनमें उसी एजेंडे पर चर्चाएं होंगी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो एजेंडा होगा, उसी पर यहाँ पर बातें होगी। खासकर जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना बिहार में एक अभी मांग उठी थी कि जातिगत जनगणना कराया जाए, हो सकता है कि उस पर भी चर्चा हो। दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदलाव को लेकर जो मुख्य बातें हैं वो उस पर यहाँ इस पर चर्चाएँ होंगी, और 4 बजे की बैठक है उसमें इसको रखा जाएगा। और दूसरी वो जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस अभी पदाधिकारियों की बैठक में चर्चाएँ होनी है, तो उस पर भी कयास यही लगाया जा रहा है कि इस पर भी चर्चाएं इसमें हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो लगातार गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन फर्स्ट बिहार आपको खबर जो बता रहा है वो पूरे सोर्स जो उनके मजबूत सोर्स के साथ बता रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं और कवाल लगाए जा रहे थे कि ये उपेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा है या और किसी का जो नाम चल रहा था, उस पर विराम लगते हुए जो फर्स्ट बिहार आपको खबर दिखा रहा है कि जेडीयू के सांसद, जी हाँ, ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें शामिल हुए थे। तो खासकर ये भी कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नीतीश कुमार के माने जाते थे। एक तरफ उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ रखा था कि कैबिनेट मंत्रिमंडल को लेकर जो वो फैसला करेंगे वही अहम होगा। तो उसको लेकर एक बार उन्नीस में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब सिर्फ एक लोगों को कॉल किया गया था, तो उनमें नीतीश कुमार उस समय हुआ करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं शामिल होंगे। लेकिन जब आरसीपी सिंह का कार्यकाल आया तो उन्होंने खुद शामिल होंगे। इसके बाद जो है वो जेडीयू में नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि बधाई जेडीयू के जो बड़े नेता है उन्होंने बधाई नहीं दिया था, क्योंकि ललन सिंह की भी उम्मीदें थी कि हम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। लेकिन इसके बाद जो है वो कयास जोरों पर कवायद लगने लगी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ललन सिंह को सौंपा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जेडीयू में ये नीतीश कुमार के समय से ही प्रकलन चलता आया है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेंगे। तो जब मीडियाओं ने सवाल पूछा आरसीपी सिंह से कि जेडीयू में ये प्रकलन है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप तो अब दो पद पर हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद आपके पास है, दूसरा कैबिनेट मंत्री में भी आप शामिल हो गए हैं, तो क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर नीतीश कुमार चाहे तो हम इस पद पे रह सकते हैं और संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं, दोनों काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार कहेंगे और कोई सुयोग्य सुदृढ़ व्यक्ति होगा तो हम उनको ये पदभार सौंपने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कार्य समिति की बैठक तय की गई, और ये दिल्ली स्थित आवास में 4 बजे से वो बैठक है। और जो कयास था वो अब फर्स्ट बिहार आपको कंफर्म खबर बता रहा है कि ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे, क्योंकि मनाने की भी कवायद उनकी थी, क्योंकि एक तरफ नाराजगी उनको देखा जा रहा था क्योंकि कोई बधाई नहीं दिए थे, तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्स्ट बिहार आपको बता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के वो ललन सिंह होने जा रहे हैं। और जो ताजपोशी है वो 4 बजे वो ये बैठक है, और 4 बजे के बाद वो क्लियर हो जाएगा। खासकर जो फर्स्ट ईयर लगातार आपको बता रहा है कि ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं जेडीयू के, पल पल की अपडेट आपको फर्स्ट बिहार झारखंड बता रहा रहेगा। आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ।